Assalamualaikum and welcome back to my channel. आज है सैटरडे और आज मेरा ऑफ था ऑफिस से और मैंने कुछ भी नहीं था करना, तो मैंने सोचा और मेरी फ्रेंड ने सोचा कि हम बाइक घूमने चलते हैं। और हम कहाँ पे आए हैं इस टाइम? हम आए हैं सफारी पार्क। मुझे तो डर है यहाँ पे किसी ने पकड़ के ना हमें भी अंदर बंद कर देना और कहना ये भी इन पर भी टिकट लगी हुई है, इनको भी आके देखें। अभी हम जो है वो स्नैक्स वगैरह देखे हैं, लेकिन वो इतना खास नहीं था। वो सारे मतलब बेचारे बूढ़े हो गए हैं स्नैक्स जो है ना, वो सारे बेचारे बैठे हुए और सोए हुए और इस टाइप के ही थे, ज़्यादा वो नहीं थे एक्टिव वगैरह, जिससे कहते हैं कि बंदा देख के थोड़ा सा होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब हम आगे जा रहे हैं, हम देखते हैं आगे हम क्या। सो राइट नाउ अभी हम जाने लगे हैं यहाँ जहाँ हैं बर्ड्स, हम देखते हैं यहाँ जाके। और यहाँ पर बैठ कर दिखाऊँ तो There is also horse riding available. देखो अभी हम करते हैं horse riding या नहीं करते, लेकिन अभी जो है हम जाने लगे हैं birds वाली side पे। और फिर हमने पता नहीं कहाँ जाना है, हम असल में ना ढूंढ रहे हैं। मैं एक दफ़ा आई थी बचपन में अपनी family के साथ, और वहाँ पे वो जो proper आप कार लेके अंदर जाते हैं ना, जहाँ पे lions और tigers वगैरह होते हैं, वहाँ गए थे। तो हम असल में वो ढूंढ रहे हैं कि वो मिलता है या नहीं मिलता। बेचारे ऐसे हुए हुए हैं, लाइक दे आर सो सैड। हम असल में ढूंढ रहे हैं वो प्रॉपर सफारी जो जहाँ पे कार लेके जाते हैं अंदर, देखो हमें मिलती है या नहीं मिलती है, क्या सीन है उसका। ओके सो हमें मिल गई है वो वाली सफारी। और वो ये सीन है क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है हम बचपन में आए थे तो हम मामू वगैरह के साथ फैमिली के साथ ना कार पे, जो अपनी कार है उस पर ही गए थे अंदर। बट नाउ ये सीन है कि उनकी बस जाती है, कोच जाती है अंदर और हम उस पर जाने के। एनिमल्स देखे और वो बेचारे सारे ऐसे थे कि मतलब आवाज़ार नहीं हो जाता जैसे बंदा, वो सारे जानवर वो बेचारे सारे आवाज़ार हुए हुए थे। वो हो गए थे अच्छा हाँ ठीक है, आदत है हमें इंसानों को देखने की और आ रहे हैं और हमें देख रहे हैं और पैसे भर रहे हैं और जा रहे हैं, बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना हुए हुए थे आवाज़ार ही। और ये वो सारी वो जिस तरह होते हैं ना प्रॉपर
के आप देखते हो नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह भी देखते हो प्रॉपर एनिमल्स होगी वो सारे एक्टिव हुए वो वाला सीन नहीं है वहाँ पे सारा बच्चों वाली फैमिली से ज़्यादा आई हुई थी बिकॉज बच्चों को शौक होता है वो एक्साइटमेंट होती है मुझे भी याद है कि जब मैं बचपन में गई थी अपनी फैमिली वगैरह के साथ तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट टाइगर ये वो इस तरह करते हैं बच्चों में भी करती थी बट इस टाइम जो है ना टाइम हो चुका है 7 बजने वाले एंड अब मैं घर जा रही हूँ मैं रास्ते में हूँ और हम बहुत ज़्यादा थकते हैं और मैं घर जा के सोचती हूँ कि आज और क्या कह सकते हैं और क्या क्या किया था मैंने और मैंने जो वीडियोज़ वगैरह जो क्लिप्स वगैरह थोड़े बहुत मैंने बनाए वो भी मैं साथ में मैं वैसे घर तो काफ़ी देर के आ चुकी हूँ बट मैंने जो है ना घर आके मेरे थोड़े से काम रहते थे वो मैंने किए हैं अब मैं बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए और आज मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने बहुत इन्जॉय किया सफारी पार्क में वो जो मैंने एनिमल्स वगैरह के सारे क्लिप्स बनाए थे वो भी मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं इन्जॉय वैसे बहुत हुआ नो डाउट बड़ा मज़ा आया क्योंकि मुझे याद है मैं लास्ट टाइम बचपन में गई थी यहाँ पर और अब मैं गई हूँ आई एम लाइक 23.5 ईयर्स ओल्ड लेकिन ये है कि जब आप जाते हो ना एक जगह पे तो आपको पुराने वो सारे याद आ रहे होते हैं क्या जब आप यहाँ पे पहले आए थे तो जब मैं छोटी होती वहाँ पे गई थी तो मुझे वो सारी चीज़ें वो सारी बातें ना आज वहाँ पे जाके ना याद आ रही थी कि हाँ हम यहाँ पे बचपन में आए थे तो हम मामू और मामा वगैरह के साथ आए थे तो हमने ये किया था हमने ये भी देखा था हमने वो भी किया था वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी बहुत इंजॉय किया आज आज मेरा थोड़ा सा हेक्टिक डे था बिकॉज मैं सुबह को उठी हूँ मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मैंने वीडियो एडिट करनी है अपनी मैंने वो की है उसके बाद अभी मैं कर ही रही थी क्योंकि तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगते हैं मुझे एक वीडियो एडिट करने पर मैं खुद करती हूँ मेरा जो भाई उसके कंप्यूटर पर एडिटिंग करती हूँ और जो चीज़ नहीं समझ आ रही होती वो उससे पूछ लेती हूँ क्योंकि उसको अच्छी एडिटिंग आती है बट स्टिल मैं उससे सीख रही हूँ ऐसा ऐसा लेकिन अब मैंने अपनी वीडियोस जो है ना खुद एडिट करना स्टार्ट कर दी है एक दो चीज़ें सिर्फ मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी उससे पूछी थी और अब मुझे सारी जो ना ऐसा ऐसा बेसिक जो चीज़ें हैं वो मुझे समझ आना शुरू हो गया और अब मैं खुद कर रही हूँ मैंने ना अभी आज सुबह को एक वीडियो एडिट करके डाली है और सॉरी वीडियो मैंने सुबह को एडिट की थी और अपलोड मैंने अब किया है सुबह को उठी मैंने सोचा हुआ था पहले से मैंने वीडियो एडिट करनी है मैंने वीडियो एडिट की है उसके बाद मैं अभी एडिट कर ही रही थी तो उसके बिल्कुल थोड़ी सी एडिटिंग रह गई थी उसके दौरान ही जो है ना मुझे मेरे फ्रेंड्स की कॉल आई है और उन्होंने कहा इस तरह प्लान बन रहा है ये वो हम मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो ठीक ये तो बहुत अच्छी बात है मेरा एक और ब्लॉग बन जाएगा तो जो है वहीं पर जो है ना उसको पॉज करके एडिटिंग को मैंने फैजान से कहा कि जल्दी जल्दी सेव कर दें उसके बाद मैं गई मैं रेडी हुई मैं बाहर चली गई फ्रेंड्स के साथ और मेरे साथ आज एक इतनी बुरी वो हुई है ना कि मतलब मैं जब रेडी हो रही थी क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में रेडी हो रही थी तो जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी लेंस लगाए हुए थे ब्राउन वाले और मैंने मतलब पिछले 3-4 दिन से लगाई थी क्योंकि मेरे आई साइड के लेंस मेरी आई साइड वीक है तो मैंने आई साइड के बनवाए हैं तकरीबन 1 साल के बाद और मैंने बनवाए भी इसलिए था कि मैं रेगुलर बेसिस पर पहना करूँगी और मैं ब्राउन पहन रही थी 3-4 दिन से और क्या सीन हुआ वो सुबह को जब मैं उसको वो क्लीन करते हैं ना सॉल्यूशन में वो करने के बाद जैसे ही मैं लगाने लगी हूँ तो वो एक टूट गया लेफ्ट आई वाला जो था वो 2 हिस्सों में हो गया एंड आई वाज लाइक अब मैं यहाँ खड़े होके इस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है और अफसोस करने से अच्छा कि जल्दी से रेडी हो जाऊँ नहीं तो मैंने ऐसे ही चले जाना था आज बाय फिर मैंने जल्दी जल्दी से ये मैंने ग्रे जो अब लगाए हैं आज लगाए ये मैंने पहली दफ़ा लिए उसके बाद मैंने मेकअप किया मैं बाहर चली गई मैंने फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय किया मैंने ब्लॉग बनाया और आई गेस 7 o'clock और 7:15 मैं घर भी आ गई थी हम जल्दी घर आ गए थे आज घर आते साथ अपनी वो जो वीडियो मैं छोड़ के गई थी वो मैंने एडिटिंग पे लगाई वापस उस पर की मैंने उसको वापस एडिट किया फिर उसमें थोड़े से ना मस्ती आना स्टार्ट हो गए थे हालांकि मैं सुबह को सेट करके गई थी लेकिन फिर थोड़े से आए थे फिर मैंने उसको जो है ना दोबारा से कुछ चीज़ें एडिट की उसमें फिर उसके बाद मैंने उसको अपलोड इम्पोर्ट पर किया कंप्यूटर में फिर मैंने अपलोडिंग के लिए लगाई अपलोडिंग में भी माशाल्लाह से काफ़ी टाइम लग जाता है तो उस दौरान मैं स्नैपचैट्स भी बनाई थी सॉन्ग्स भी सुन रही थी खा पी भी रही थी मैं जो हूँ आकर फ्री हुई हूँ
मैंने जो अभी अपने वीडियो अपलोड किए उसमें इतनी सारी मतलब मिस्टेक्स निकली हैं जो मेरी पहली जो वीडियोस मैंने अपलोड किए उनमें नहीं थी. मतलब साउंड का इशू आ रहा है. मैंने जो पहले वीडियोस बनाए आई गेस घर पे बनाई शायद, इस वजह से मुझे आइडिया नहीं था. और मैं जो हूँ फिल्मिंग कर रही हूँ अपने मोबाइल पे, मोबाइल का आई गेस माइक इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो, मतलब मुझे नहीं पता क्या मसला हुआ लेकिन साउंड का कोई इशू हुआ था. फिर अभी मैंने मतलब अपलोड किए तो उसके बाद मैंने ख़ुद भी वो वीडियो देखी है मोबाइल पे ऑन करके वो, तो उसमें ये कि कुछ जगह पे ना बिल्कुल ही आवाज़ ऐसे हो गई कि हैंड फ्री लगा कर सुनते हो तो आपको प्रॉपर आवाज़ आएगी लेकिन वैसे जो है ना उसमें नहीं आ रही स्पीकर में. मतलब आ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत ही लो है और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है. हालाँकि जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो मैंने हेडफोन्स लगाए हुए थे और हेडफोन में बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही थी. पता नहीं क्या इशू हुआ है. लेकिन अब मैंने एक और चीज़ नोट किया कि मैं जब बाहर जा रहा ना वीडियोस बनाने के लिए तब मैंने लाजमी लाउड बोलना है क्योंकि इधर उधर से भी आवाज़ें आ रही होती हैं. बाद में मैंने पीछे बैकग्राउंड में कोई ना कोई म्यूज़िक वगैरह भी लगाना होता है तो उसकी वजह से जो अपनी आवाज़ है ना वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है. तो दैट्स वाई अब मैं मतलब सीख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता कि जो मेरी गलतियाँ हैं मैंने कैसे रिकवर करना है. वीडियो भी जो है मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है. अब मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके एडिटिंग करनी है और अब मैं सुबह को करूँगी क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. और मैंने लेंस भी उतारने हैं, मैंने मेकअप वॉश करना है, मैंने चेंज करना है एंड आई एम अगेन वेयरिंग माई मॉम्स कुर्ता. एक्चुअली सुबह को जिस टाइम मैं रेडी हो रही थी ना तो मैं जल्दी जल्दी मैं रेडी हो रही थी क्योंकि मुझे पिक करने के लिए आए थे मेरे दोस्त और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं कोई ड्रेस निकालूँ अपना और प्रेस करूँ. और मेरा आज वैसे भी ईस्टर्न का मूड था क्योंकि वेस्टर्न में वैसे ही बहुत ज़्यादा पहन रही होती हूँ. तो मुझे मामा की अलमारी में जो प्रेस हुआ मैं नज़र आया वो मैंने उठा के पहन ली. और मेरे ख्याल से जब मैं निकली थी उस टाइम मामा ने मुझे देखा नहीं था शायद, वैसे मैंने बता दिया था लेकिन शायद निकलते हुए मामा ने देखा नहीं था तो मामा को पता नहीं चला. मैं घर आई हूँ, मामा मुझे देख के इतनी ज़ोर से हंसी और मामा वॉज लाइक माँ के कपड़े तो बच्चे नहीं छोड़ते एक दफ़ा मामा की हाइट के हो जाए तो. ये वीडियो अब मैं सुबह को एडिट करूँगी बिकॉज आई एम सो टायर्ड राइट नाउ. और मैं कोशिश करूँगी कि जिस टाइम मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो जो पुरानी अभी मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें जो गलतियाँ हुई हैं वो इसमें ना हो. एंड इफ़ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. लिंक हमेशा जो है वो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. ओके नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर एंड गो टू स्लीप एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.